देश के अलग अलग राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि कल से रुक रुक कर बारिश ने कई शहरों में लोगों को राहत दी है। आपको बता दें कि कई जगहों पर बारिश आफत बनकर भी आई है। देश के अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी देश में बारिश ने कई इलाकों में गर्मी से राहत दी है, उमस से राहत दी है, तो दूसरी तरफ कई जगहों पर बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब भी बन गई है। दिल्ली में आप देखें तो वहाँ पर पिछले कई दिनों कई हफ्तों से उमस भरी गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, लेकिन जमकर बारिश हुई है जिसकी वजह से लोगों को ह्यूमिडिटी से, उमस से काफ़ी राहत मिली है। यही हाल मुंबई का है, लेकिन मुंबई में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई है कि जगह जगहों पर इमारत गिरने के, बिल्डिंग गिरने की खबरें भी सामने आई हैं। गुरुग्राम में जब भी बारिश होती है तो हमेशा लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है, वहीं पहाड़ों में लैंडस्लाइड देखने को मिल रहे हैं। और ये तस्वीरें पंचकुला से हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कई लोगों की जान आफत में फंस गई। तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे तेज लहरों में एक कार फंसी हुई है और उस कार से लोगों को बचाने का सिलसिला लगातार जारी है। कहा यह जा रहा है कि भारी बारिश की वजह से एक माँ बेटी इस कार में फंस गए थे, पानी की चपेट में ये कार आ गई थी। तभी स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे, रस्सी बांधकर इन लोगों का रेस्क्यू किया गया और दोनों को बहरहाल अस्पताल पहुंचा दिया गया। तस्वीरें चौंकाने वाली, पानी का तेज बहाव आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी के इस प्रलय में ये एक गाड़ी जिसमें माँ बेटी सवार थी दोनों फंस गए थे। राहत की बात रही, स्थानीय लोग वहां पर पहुंचे और उन लोगों को इस गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। वही हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भी बारिश ने किस तरह लोगों को मुसीबत में डाला, ये तस्वीरें देखिए। ये कुल्लू के साथ लगे मोहल इलाके की है, नाले की ये तस्वीरें हैं जहाँ अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। नाले में जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त कई गाड़ियां वहां पर मौजूद थी, देखते ही देखते सभी गाड़ियां सैलाब की चपेट में आ गई। हालांकि गनीमत ये रही कि समय रहते गाड़ियों से लोगों को बाहर निकाल लिया गया। दरअसल समूची घाटी में देर रात से बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई पहाड़ी नालों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तस्वीरें देखिए।